हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया के पहले न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में और कौन वो इंसान थे जिसने न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल किया और किस तरीके से इस न्यूक्लियर बम ने पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया। हाल ही में इनके ऊपर एक मूवी आ रही है ओपनहाइमर, जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने बनाया है। क्रिस्टोफर नोलन अमेरिका का एक बहुत ही ग्रेट डायरेक्टर है जिन्होंने बहुत ही अमेजिंग फिल्म बनाई है, और ये ओपनहाइमर उनमें से एक है जिन्होंने इस फिल्म को बहुत ही अच्छे से दर्शाया है, इस स्टोरी को। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये ओपनहाइमर कौन थे और क्यों इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाया और किस तरीके से इस न्यूक्लियर वेपन ने पूरी दुनिया को आज चेंज करके रख दिया। ये जानने के लिए आपको वीडियो प्लीज पूरा अंत तक देखना होगा। लेट्स स्टार्ट। ये दौर था वर्ल्ड वॉर टू का, जब वर्ल्ड वॉर टू अपनी पीक पर था। वर्ल्ड वॉर टू एक ऐसा युद्ध था जिसको पूरी दुनिया ने देखा, और ये दुनिया का सबसे डिसरप्टिव वॉर था क्योंकि पहली बार इंसान और मशीनों के बीच में इतने बड़े लेवल पर लड़ाई हो रही थी और लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे वर्ल्ड वॉर टू में। सबसे हॉरिफाइंग वॉर थी। लेकिन ये वॉर सबसे हॉरिफाइंग जब बनी जब पहली बार न्यूक्लियर वॉर की बात यहाँ पे आई, जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिराया था जापान पे। ये समय था अक्टूबर 1939। जो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को बताया किस तरीके से जो नाजी जर्मनी है वो वर्क कर रही है न्यूक्लियर बॉम्ब पे। अगर हिटलर के पास न्यूक्लियर पावर आ जाती है तो हिटलर पूरी दुनिया को तबाह करके रख देगा, तो अमेरिका को उनसे पहले न्यूक्लियर बम बनाने की ज़रूरत है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक कमेटी के लिए साइन किया कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो इसके ऊपर वर्क करे। उस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो यूएसए के लिए एक सीक्रेट मिशन था जिसमें डेवलप कर रहे थे एटॉमिक बॉम्ब को, और इसको लीड करने के लिए कहा गया जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर। ओपनहाइमर एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे और बहुत ही ग्रेट माइंड था उनका, जिन्होंने इस न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काम किया। इन्होंने 6000 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट एंड इंजीनियर को कलेक्ट किया विद अ ग्रेट माइंड, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग लेबोरेटरी से, जो एक साथ जुड़ के इस प्रोजेक्ट पे काम करने लगे। और इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट आई वो आई $2 बिलियन। और फर्स्ट टाइम ये जो प्रोजेक्ट था, जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हुआ, वो हुआ 6 जुलाई 1945 को। पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया गया न्यू मैक्सिको के लॉस एलमस डेजर्ट में। पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया गया, जिसको देख के पूरी दुनिया चौंक गई थी। जहां तक ये साइंटिस्ट, उनको ये पता लग चुका था कि हमने एक ऐसा वेपन बना दिया है जो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म कर सकता है। इस टेस्ट के बाद ओपनहाइमर ने एक स्टेटमेंट दी और वो भगवद गीता से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। बहुत ही इमोशनल हो गए इस बात को लेके, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसा वेपन बना दिया जो इंसान खुद को ख़त्म कर सकता है। साइंटिस्ट को पता था कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा पड़ेगा इस दुनिया पे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जब इस बम को ड्रॉप किया जाएगा। जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो इसकी लाइट बहुत दूर तक गई, इसकी शॉक वेव 15 माइल तक जा चुकी थी, और एक बहुत ही बड़ा क्लाउड फॉर्म हुआ मशरूम के फॉर्म में, और पूरा एटमॉस्फेयर ब्लैक हो गया। इनको पता लग चुका था कि इन्होंने एक ऐसा वेपन बना दिया है जो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है, और ये डोमिनेट करने वाले थे पूरे वर्ल्ड में। यही वो वक्त था जब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे ट्रूमन, उन्होंने जैपनीज किंग को सरेंडर करने के लिए कहा। उन्होंने इनको वॉर्न किया कि आप अपनी आर्मी को सरेंडर कर दो, नहीं तो हम आपके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिरा देंगे। जो जैपनीज के किंग थे उन्होंने इनकी बात नहीं मानी, वो तैयार थे लड़ने के लिए, क्योंकि जैपनीज किंग ने अपने सोल्जर को इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया गया था और उनको कहा था कि मरते दम तक उनको लड़ाइयाँ करनी है, तो सरेंडर करने के मूड में नहीं थे। तो अमेरिका जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने फिर वॉर्न किया और उन्होंने कहा हम न्यूक्लियर बॉम्ब गिर देंगे, अगर ऐसा होगा तो कई सारे लोग मारे जाएंगे। अगर अमेरिका जैपनीज कंट्री में इन्वेड करता तो कई सारे लाखों सोल्जर मारे जाते, यहाँ तक कि अमेरिका के भी, जैपनीज के भी, और कई सारे सिविलियन मारे जाते। तो वो दिन आ चुका था जब पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया गया और पूरी दुनिया दंग रह गई। ये दिन था 6 अगस्त 1945 को, ठीक 8:15 पे अमेरिका का B-29 बॉम्बर ने पहला बॉम्ब ड्रॉप किया, जिसका नाम था लिटिल बॉय हिरोशिमा जापान पे। जो वहाँ के लोग रहने वाले थे उस शहर के, उनको नहीं पता था कि उनके साथ आज क्या होने वाला है, उनको नहीं पता था ये उनका आखिरी दिन होने वाला है। एक ऐसा विटनेस करने वाले थे पूरी दुनिया, जिसको हॉरिफाई कर दिया था। जब ये बम गिरा तो इस बम के गिरते ही 1,40,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए ऑन द स्पॉट,
और कई सारे लोग मारे गए रेडिएशन से, क्योंकि उसका रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा था। जब ये बम गिरा तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 4000 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से सारे लोग वैनिश हो गए थे चुटकी बजाते ही, और लोगों की शेडो है वो स्टोन पे आज भी दिखती है। इस तरीके से लोग मारे गए थे, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे इतना ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, और जो एटमॉस्फेयर था वो पूरा ब्लैक हो गया था। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इस एटॉमिक बॉम्ब की वजह से। लेकिन ठीक आधे घंटे बाद बारिश होने स्टार्ट हुई, तो लोगों ने रात की सांस ली, उनको लगा बारिश होने स्टार्ट हुई है, लेकिन उनको नहीं पता था ये एक एसिड रेन है जिसमें जो केमिकल्स और रेडिएशन है वो मॉइस्चर के साथ मिक्स होकर रेन की फॉर्म में आ रहे थे। और ये बिल्कुल बहुत ही गाढ़ी रेन थी जो कि ग्रीस टाइप में थी, और जैसे ही लोगों की स्किन पे पड़ना स्टार्ट हुई तो लोगों की स्किन जलना स्टार्ट हो गई, और लोगों की स्किन इस तरीके से उतर रही थी जैसे कोई कपड़ा उतर रहा हो किसी के बदन से। इस तरीके से लोगों की स्किन उतरने लग गई, और जो उसका इम्पैक्ट था वो इतना ज़्यादा था कि एक मशरूम क्लाउड बना पूरे एयर में इस इतने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, इतने ज़्यादा लाउड के साथ कि लोग बहरे हो गए, और जो रोशनी थी वो इनकी जो फ्लैश इतनी ज़्यादा थी कि लोग अंधे हो गए, और कई सारे लोग रेडिएशन की वजह से मारे गए। और वहाँ पे 70% बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी पूरी तरीके से, जो हिरोशिमा की 70% बिल्डिंग थी। उसी के साथ साथ कई सारे हॉस्पिटल हेल्थ केयर वर्कर भी मारे गए, जिसकी वजह से मेडिकल टीम को आने के लिए वक्त लगा। लेकिन जब डॉक्टर लोग सही टाइम पे वहाँ पे जाके पहुँचे तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि कितना ज़्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि उनके पास कुछ अंदाज़ा नहीं था कि क्या हुआ है लोगों के साथ, किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया जाए, क्या मेडिसिन यूज़ की जाए, इनके साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको कोई अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था। और कई सारे लोग मरने स्टार्ट हो गए, कोई रेडिएशन के बाद, कोई 30 दिन के बाद मरना स्टार्ट हुआ, और वो पता नहीं लगा पा रहे थे ये किस तरह का रेडिएशन है जो लोगों पर इस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है। और फिर उसके बावजूद भी जैपनीज़ आर्मी ने सरेंडर नहीं किया। फिर वो दिन आता है अगस्त 9, 1945, जब अमेरिका ने अपना सेकंड न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया नागासाकी पे, जिसका नाम था फैट बॉय। फैट बॉय ने भी इतना ही लेवल का डिस्ट्रक्शन किया, और वहाँ पे 80,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इतने लेवल पे इतने सारे लोग मारे गए थे सिर्फ कुछ मिनटों में, एक चुटकी बजाते ही इतने सारे लोग मारे गए। लेकिन जो उनके सर्वाइवल थे, जो उस इम्पैक्ट से बच गए थे, इस अटैक से बच गए थे, उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई। उनकी स्टोरी बहुत ही सैड और बहुत ही हॉरिफाइंग है। उनका बदन आज भी जलता है, इस तरीके से उनकी बॉडी पर जो इम्पैक्ट पड़ा आज भी उनकी बॉडी में थोड़ा बहुत रेडिएशन है, और उनको अपनी पूरी लाइफ सफ़र करना पड़ा इस वजह से। और आज भी जापान में जब बच्चे होते हैं उस एरिया में, यहाँ तक कि कई डिकेड्स पहले जब बच्चे होते थे उस एरिया में, तो बहुत सारे विकलांग होते थे, उनमें किसी के बाल झड़े हुए होते थे और बॉडी शेप अच्छे से नहीं होता था, कई सारे इलनेस डिजीज़ के साथ बच्चे पैदा होते थे उस एरिया में। अब जाके थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन जो इम्पैक्ट था वो इतना ज़्यादा पड़ा था इस न्यूक्लियर बॉम्ब का, उस दिन साइंटिस्ट को पता लगा कि इसका इम्पैक्ट ह्यूमन पे कितना ज़्यादा हो सकता है। और ओपेनहाइमर ने यही बात कही कि किस तरीके से हमने एक ऐसा वेपन बनाया जो ह्यूमन खुद अपनी ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म कर सकता है, एक ऐसा वेपन जो इस पूरी दुनिया को तबाह करके रख सकता है। उसके बाद 6 दिन के बाद जैपनीज आर्मी ने सरेंडर कर दिया अमेरिका को, और अमेरिका ने पूरा टेक ओवर ले लिया जैपनीज को। एक इंटरव्यू में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट हेनरी एस ट्रूमन से पूछा गया कि आपने सही किया या गलत, तो उनकी स्टेटमेंट ये थी, It was a blessing. I thought it could be used and made a blessing. I never worried about it being a curse. I wanted a weapon that could win the war, and it did. That's what I... उनकी स्टेटमेंट ये थी कि हमें ये करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम नहीं करते हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर हम इन्वेड करते हैं जापान में तो कई सारे लोग मारे जाते, सिविलियन मारे जाते, और कई सारे अमेरिकन सोल्जर भी मारे जाते। तो इन्होंने सोचा कि जो इन दोनों वॉर में जो लोग मारे गए उनकी जो संख्या थी वो थी 210,000, 210,000 लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि अगर हम इन्वेड करते तो कम से कम 2,000,000 लोग मारे जाते, तो 2,000,000 लोगों से अच्छा 2,000,000 लोग मारे जाना, क्या ये सही है इनका ये कहना? क्योंकि बहुत ही गलत क्या इन्होंने जो भी ये किया था, क्योंकि और भी कई तरीके थे, क्योंकि सोवियत यूनियन ने भी अटैक कर दिया था जैपनीज आर्मी के ऊपर, और शायद वो सरेंडर कर देते। इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग वॉर के बाद जैपनीज ने अपने आप को खड़ा किया, और एक बहुत ही अच्छी फॉर्म में आज उन्होंने अपनी सिटी को फिर से बना दिया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि अमेरिका ने जैपनीज के साथ बिल्कुल सही किया या नहीं? क्या उनको ये न्यूक्लियर बम गिरना चाहिए था? क्या और कोई तरीका था जिससे वो जैपनीज आर्मी को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उस दिन विटनेस किया पूरी दुनिया ने कि न्यूक्लियर बम का इम्पैक्ट कितना हो सकता है इस पूरे वर्ल्ड में, और जो पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म कर सकता है।
लेकिन उसके बावजूद जैपनीज ने जो कमबैक किया, जापान के लोगों ने उस चीज़ को पीछे ना रहते हुए बहुत ही अच्छे से कमबैक किया। आज जापान की इकनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है इन द वर्ल्ड में, और वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है पूरे दुनिया में। इनकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जानी जाती है। जैपनीज लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और उन्होंने अपनी कंट्री को इतने फास्ट तरीके से डेवलप किया है जो आज सब लोग मानते हैं। उन्होंने अपने पास्ट को पीछे छोड़ के अपनी कंट्री को आज इतना बड़ा बनाया है। वहीं पे एक डॉक्यूमेंट्री में लोगों से पूछा गया था कि क्या वो हेट करते हैं अमेरिकन लोगों से कि उन्होंने उनके साथ ऐसा किया, तो लोगों का ये कहना था कि हम किसी भी इंसान से हेट नहीं करते जो भी पास्ट में हुआ था, लेकिन वो इस इंसिडेंट को कभी भूलेंगे नहीं। इसी इंसिडेंट की वजह से आज जापान इतना ज़्यादा डेवलप कर पाया, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके आए। ये दिखाता है किस तरीके से इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जापान के लोग अमेरिका के लोगों से हेट नहीं करते। लेकिन आज इसी न्यूक्लियर पावर की वजह से पूरी दुनिया में 9 कंट्रीज ऐसी है जिनके पास ये न्यूक्लियर वेपन है, जिसमें से यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल एंड नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया वन ऑफ द डेंजरस कंट्री है जिनके पास ये न्यूक्लियर वेपन है, और अगर कभी आगे चल के युद्ध होता है तो सब कुछ ख़त्म कर सकता है। लेकिन इन सब कंट्री के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई है कि कोई भी पहले न्यूक्लियर बम का यूज़ नहीं करेगा, और आज 90% जो न्यूक्लियर वेपन है वो अमेरिका और रशिया के पास है। आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसा वेपन हम लोगों के पास है जो हम खुद को ही ख़त्म कर सकते हैं। अगर कभी भी वॉर होती है तो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास अब जो न्यूक्लियर वेपन है वो 100 गुना ताकतवर है जो इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे घेरा था। उनसे 100 गुना ताकतवर आज अमेरिका के पास वो बम है जो पूरे न्यूयॉर्क शहर को तबाह कर सकता है सिर्फ चुटकी बजाते ही। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इस न्यूक्लियर वेपन का पूरी दुनिया में, जिसने दिखाया किस तरीके से ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को ऐसी मोर अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।